आज हम क्लास 9 की इंग्लिश ग्रामर जिसका टॉपिक है टेंसेस उस पर डिस्कस करेंगे। टेंस 3 किस्म के होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन हाल जो कि हमारा आज है। नंबर 2 पास्ट, पास्ट मीन माजी जो हमारा गुजरा हुआ कल है। नंबर 3 फ्यूचर जो हमारा मुस्तकबिल यानी कि आने वाला कल। एवरी टेंसेस हैव 4 पार्ट्स। हर टेंस के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1 जैसे कि प्रेजेंट है, नंबर 1 प्रेजेंट डेफिनेट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल्स हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम इसको सीक्वेंस ना दें, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ। प्लूरल मीन जमा, ज़्यादा चीज, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा लोग हों उनके साथ, जैसा कि आई, वी, यू, दे के साथ। और डज हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर मतलब अकेला, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, इसके साथ हम हमेशा डज इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही ईट्स मैंगो। अब ही इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ईट्स क्या है वर्ब, मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट। अब अगर हम मैंगो को बीच में से स्किप कर दें फिर भी हमारा टेंस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की उर्दू में क्या पहचान है, जुमले के आखिर में क्या आता है, कैसे आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कौन सा है उर्दू में। जैसे कि वो आम खाता है, ता है। अब ता है से आपको पता चल रहा है कि आपका कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ता है इस जुमले के आखिर में आता है, ता है, ती है, ते है और ते हो। अब जैसा कि अली वेयर्स न्यू क्लॉथ्स। अब नेगेटिव एक ही टेंस को हमने चेंज करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। नेगेटिव टेंस वो जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, वो जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो। इंटरोगेटिव सवालिया जुमला, ठीक है। अब जैसे अली वेयर्स न्यू क्लॉथ्स, अली नए कपड़े पहनता है। अली सिंगल है इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म हमारी इसमें कौन सी है, वे, इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, एस, एस का इस्तेमाल किया। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म, जब सिंगुलर नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, तो जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अली डज नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स। यहाँ पे हमने वेयर के साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल किया। ये हमारा कौन सा टेंस है, नेगेटिव। अब इसी तरह इंटरोगेटिव बनाना है हमने, तो इंटरोगेटिव में क्या है कि हम जुमले के स्टार्ट में डू और डज को ले आएंगे। जैसे कि डज अली वेयर न्यू क्लॉथ्स। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये चीज़ कंपलसरी है कि हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कंपलसरी ऐड करना। विदाउट क्वेश्चन मार्क हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब इसी तरह पहले ऊपर हमने डज वाला जुमला जो है वो बनाया, ठीक है, डज के सेंटेंस जो है हमने डज का इस्तेमाल किया सेंटेंस में। अब हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी ऑफर प्रेयर, हम नमाज अदा करते हैं, ये हमारा सिंपल टेंस। अब इसी तरह इसको हमने चेंज करना है नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला। तो क्या करेंगे हम, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ट्यूटर है। वी डू नॉट ऑफर प्रेयर।
अब इसी तरह हमने इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, डू वी ऑफर प्रेयर, डू वी ऑफर प्रेयर, ये हमारा कौन सा जुमला है, इंटरोगेटिव। ठीक है, ये सारा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और इसके रूल्स जो कि आज आपको बताए गए हैं।